सभी शिव भक्त मिलके बोलेंगे हर हर महादेव जय भोले। तो चलिए दोस्तों, हम आपको करवाते हैं भगवान श्री गौरी शंकर का बहुत ही शानदार दर्शन। आप घर बैठे दर्शन करिए, हम आपको वर्चुअली बहुत ही प्यारा दर्शन करवाएंगे। भगवान श्री गौरी शंकर धाम जो कि है जौनपुर ज़िले के सुजानगंज मार्केट के पास में, ये सुजानगंज मार्केट से मछलीशहर रास्ते में पड़ता है। सुजानगंज मार्केट से मुश्किल से 200-250 मीटर की दूरी पर है ये। तो मंदिर प्रांगण में ही आपको पूजा करने की सारी सामग्री मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से वो ले के सारी सामग्री पूजा पाठ का जो भी आपको लेना है वो ले के आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान गौरी शंकर धाम की जो रहस्य है, यहाँ की जो कहानी है कि यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू है, और यहाँ का जो शिवलिंग है वो 14वीं शताब्दी में लोगों की निगाहों में आया, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पे झाड़ियाँ हुआ करती थी। सावन के महीने पे यहाँ पे बहुत ही विशेष रूप से भक्त यहाँ पे पहुँचते हैं दर्शन करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ का आकर्षण का केंद्र होता है, लोग यहाँ पे प्रयागराज से जल उठा के कांवड़ यात्रा करते हैं। प्रयागराज से लेकर सुजानगंज गौरी शंकर धाम तक कांवड़ यात्रा करके माँ गंगा का जल लेके यहाँ पे भगवान शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, जो कि बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो अब हम बाबा भोलेनाथ के मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए आकर्षित हो रहे हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बहुत ज़्यादा जब मंदिर में भीड़ हो जाती है, यहाँ पे ज़्यादा भक्तजन इकट्ठा हो जाते हैं, तो मंदिर का जो ये पीछे वाला गेट है इसको खोल दिया जाता है। तो आप सामने के गेट से अंदर एंट्री करके पीछे के गेट से निकल सकते हैं दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों, भोले बाबा का दर्शन हमने कर लिया है, अब हम चलते हैं जस्ट शंकर जी के मंदिर के जस्ट बगल में ही ये राम जानकी मंदिर है, वहाँ का बहुत ही दिव्य दर्शन आपको करवाते हैं और हम भी करते हैं यहाँ का दर्शन। श्री राम जानकी मंदिर। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव सुनम।
तो दोस्तों, हमें मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पहले झाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन उस टाइम पे एक ऐसी घटना घटी कि जब एक व्यक्ति अपनी गाय को यहाँ पे चराने आया और उनकी गाय यहाँ पे खो गई, जब उसने अपनी गाय ढूंढते ढूंढते झाड़ियों की तरफ बढ़ा तो देखा कि गाय वहाँ पे खड़ी है और उसके थन से वहाँ पे एक काले पत्थर पे दूध गिर रहा है। तो वो देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और वो यह बात गाँव में सभी लोगों को बताया और ये बात पूरे गाँव में बहुत चर्चा का विषय बन गया। तो गांव के सभी लोग मिलके पत्थर की खुदाई करने लगे और उनका यह प्रयास था कि पत्थर का दूसरा छोर उनको दिखे, लेकिन उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन उसी दिन रात को एक व्यक्ति के सपने में उनको दिखाई दिया कि आप वहां पे पत्थर की खुदाई करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, अच्छा ये रहेगा कि आप वहां पे एक मंदिर बनाइए ताकि सबके सब वहां आके, सारे भक्तजन वहां आके हमारा दर्शन कर सके और सबकी मनोकामना पूर्ण हो सके। और उसके बाद यहाँ पे भगवान श्री गौरी शंकर का बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और सभी भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं। स्पेशली यहाँ पे सोमवार के दिन यहाँ पे मेला लगता है और ये वही एरिया है जहाँ पे हर सोमवार को या फिर सावन के पूरे महीने बहुत ही शानदार मेले का आयोजन होता है। बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप यहाँ पे अगर सोमवार को आते हैं तो बहुत भीड़ रहती है, लाइन लगा के दर्शन लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप सोमवार के अलावा किसी दिन आते हैं तो बहुत ही अच्छा दर्शन आपको मिल सकता है यहाँ पे। देखिए एक गेट इधर है, इस गेट से भी आप आ सकते हैं अंदर। तो दोस्तों, हमने कर लिया है भगवान श्री गौरी शंकर धाम का दर्शन और राम जानकी का दर्शन। अब आप सभी भक्त यहाँ पे आए, आप सभी की मनोकामना, सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है और आप ज़रूर यहाँ पे आएँ। और आप ये भी बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है अभी तक, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।